हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 का एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है मेरा, ए बाइक स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक बाइक है जो कि रेस्ट से स्टार्ट होता है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हिल पे चढ़ता है। इट ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर इन 20 सेकेंड। ये जो है 300 मीटर 20 सेकेंड में ट्रेवल कर लेता है। तो फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 200 kg। तो उसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है और फोर्स पूछ रहा है, और जब मास 200 kg दिया हो। तो पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या क्या है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0, और फिर मेरा पूछ क्या रहा है, अथी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। इट ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर। डिस्टेंस यानी कि एस बराबर दिया हुआ है 300 मीटर। टाइम मेरा दिया हुआ है 20 सेकेंड, और मास मेरा दिया हुआ है 200 kg। 200 kg, और हमसे पूछ क्या रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है और फोर्स पूछ रहा है। तो आइए यहाँ डिस्टेंस का फॉर्मूला, क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ लगा करके यहाँ से एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला बराबर होता है एस बराबर यूटी प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s मेरा 300 दिया हुआ मीटर में ही है, बराबर इनिशियल 0 इंटू फाइनल में इनिशियल वैल्यू 0 है, टाइम मेरा 20 सेकेंड है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन पूछ रहा है, टाइम मेरा 20, हाफ at स्क्वायर होता है, सॉरी हाफ at स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 300, ये हो जाएगा टोटली 0, तो इसको छोड़ दीजिए। हाफ a इंटू 400, ये 2 से 2 कैंसिल, बचा 300 इक्वल टू 200 एसएल ए, यानी कि 300 200 को इधर लेके आएंगे, डिवाइड में हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेरा हो जाएगा एक्सेलरेशन। एक चीज निकाल ली है एक्सेलरेशन, अब हमको फोर्स निकालना है। फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास मेरा दिया हुआ है 200 kg, और एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं 1.5, तो ये हो जाएगा 300 न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। तो ये हो जाएगा आंसर, इसी तरह बनाना था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।